डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आपके लिए ढेर सारे प्यार, हंसी और इमोशंस के साथ एक न्यू लव स्टोरी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फनरियल से, जहाँ पर हमारी हीरोइन रोते हुए आती, यहाँ पर एक्टिंग करती और कहती, डैड आप मुझे छोड़कर चले गए, मेरी माँ विधवा हो गई, मैं अनाथ हो गई, और यहाँ पर चिल्लाने लगती है। तो सुनते यहाँ पर दादी काफी शौक हो जाती है और कहती, क्या इस बुढ़े का चक्कर चल रहा है, धोखेबाज कहीं का। और यहाँ पर सारी चीजों को फेंक देती और जोर जोर से रोने लगती है। तभी सब चिल्लाते और कहते, उस लड़की को पकड़ो, और बालू वहाँ से भागने लगती और कहती, ये रही मेरी लाइफ, तो मैं एक एक्टर हूँ जो कि रियल लाइफ में भी ड्रामे करती है। और वहाँ से वो भाग जाती है। फिर आगे जहाँ कॉल पर क्लाइंट कहता है, मिस बालू आपने काफी अच्छी एक्टिंग की है बेटी बनने की, आपके पैसे भी खाते में ऐड हो चुके हैं, फिर आप दूसरी एक्टिंग करनी चाहेंगी। तभी वहाँ हमारा हैंडसम हीरो चिल्लाता है फैंग और कहता है, बस बहुत हुआ फैंग जी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सारी बातें बालू देखती है। फैंग कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे कहते नहीं, आखिर मुझ में क्या कमी, मैं बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, तो फिर तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। फैंग उससे मैं कहता है, सर से लेकर पांव तक तुम में तो बस कमियां ही हैं। इस पर यांग जी फैंग को पकड़ लेते और कहते, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, कहो कि आप मुझसे प्यार करती हो। फैंग चिल्लाता कहता है, छोड़ो मुझे, मम्मी मुझे बचा लो। ये सब बालू देखकर वहां से जाने लगती है कि तभी फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरी शादी हो चुकी है, ये मेरी वाइफ है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। बालू कहते, क्या तुम पागल हो। फैंग कहता है, धीरे से 1,000,000 दूंगा, बस मेरी हेल्प कर दो। यांग जी कहते, क्या मैं पागल दिखती हूँ कि मैं ट्रस्ट कर लूंगी कि तुमने शादी कर ली है, मुझे क्यों नहीं पता चला तुम्हारी शादी हो गई। रुसुन बालू मन में कहती, क्या 1,000,000 का सवाल है, और गुस्से में कहती, पागल तुम हो, मैं नहीं, तुम मेरे पति पर डोरे डाल रही हो, एक नंबर की चुड़ैल कहेंगी। और सुनते यहाँ पर यांग जी उस पर पानी फेंक देती है। उस पर बालू यहाँ पर रोने की एक्टिंग करती और कहती, ठंडा पानी, अब ये मुझे सर्दी देना चाहती है, मुझे हॉस्पिटल में भेजना चाहती है, जल्दी कुछ बोलो। उस समय कहता है, बस बहुत हुआ यांग जी, यहाँ से दफा हो जाओ और आज के बाद मेरे सामने मत आना। यांग जी कहते, मैं तुम्हारी बात पर बिलीव नहीं करती, और वहाँ से वो चली जाती गुस्से में। फिर फैंग कहते, फाइनली मैं बच तो गया। बालू कहती, पति देव तो फिर चलो निकालो पैसे, पूरे 1,000,000। फैंग कहता, ये रहा चेक, और तुम्हारा नाम क्या है, तुमने एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी की है। फिर बालू अपना बोर्ड दिखाती, फैंग पढ़ता है, प्रोफेशनल एक्टर बालू, 1 घंटे के 10,000 रुपए, बुकिंग टाइम इतना से इतना, और 9 उधार। फैंग कहता, तुम तो काफी कमाल की हो। बालू कहती, हाँ मैं प्रोफेशनल एक्टर हूँ, तो फिर काम तो मुझे करना पड़ेगा ना पैसों के लिए। फैंग कहता, तो फिर अगर तुम्हें 1 साल के लिए काम मिल जाए तो। बालू कहती, क्या मैं अपने आप को नहीं बेचती। फैंग कहता, रिलैक्स, मेरा मतलब कि तुम्हें 1 साल के लिए मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग करनी होगी, बस वो यांग जी मेरा पीछा छोड़ दे, बहुत मुश्किल उसे निपटना के लिए मेरा। बालू कहती, सॉरी पर मैं ऐसी एक्टिंग नहीं करने वाली, और वहाँ से जाने लगती है। तभी फैंग चिल्लाता है, कहता है, 10,000,000। वो सुनकर बालू काफी शॉक हो जाते और कहती, क्या। फैंग को देख के कहती, ये तो एटीएम मशीन यानी कि पैसों के भगवान निकले। फैंग कहता, ये डिपॉजिट 5,000,000, पहले शादी करे। बालू कहती, चलो। फिर आगे सीन जहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। तभी वहाँ पर यांग जी आती और कहती है, ब्रदर फैंग। इस पर फैंग कहते, ये यहाँ भी आ गई। यांग जी कहती, मैंने आपकी मम्मी से पूछा, उन्होंने बताया कि आपने कोई भी शादी नहीं की, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुमने मुझसे झूठ बोला। तो फैंग बालू को इशारा करता है। बालू कहते, ये देखो, आंखें खोल के देख लो, मेरी और फैंग की शादी हो चुकी है, हम दोनों लीगली कपल हैं। तो फैंग कहते, यांग जी आई एम सॉरी, पर मैंने शादी कर ली है, और अब तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो, और मेरी वाइफ बालू को भी। यांग जी गुस्से में कहती, पक्का इसने शादी के लिए तुम्हें फंसाया होगा। इस पर बालू कहती, हाँ, लेकिन इसके दिल ने मेरे दिल को फंसाया, और इन्हें पहले नजर वाला प्यार हो गया मुझसे, और फिर मुझे दूसरी नजर वाला प्यार हो गया इनसे, और फाइनली हमारी शादी हो गई, तो मैं कोई परेशानी है। ये सुनते यांग जी गुस्से में थप्पड़ मारने चाहती है कि बालू फैंग को आगे कर देती है। थप्पड़ बेचारे फैंग को पड़ जाता है। यांग जी कहती, सॉरी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फैंग गुस्से में कहता है, मैंने कहा कि गेट आओ। बालू कहती, हबी दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ। इस पर फैंग गुस्से में कहता है, वाइफी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं हो रहा। और ये देख कर यांग जी वहाँ से रोते हुए चली जाती है। बालू तो यहाँ पर काफी खुश हो जाती है और कहती, मैंने दुश्मन को तो हरा दिया। तो फैंग गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारा स्पॉन्सर हूँ ना, और तुम मेरे यहाँ पर पिटाई करवा रही हो। बालू कहती, ठीक है, पर मार खाने के मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। फैंग कहता है, पैसे, वाइफ, ये तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए थप्पड़ खाया है, तो फिर चलो उसे गुड फील करवा दो। और यहाँ पर उसे लगता है कि बालू उसे किस करेगी, और यहाँ पर बालू फूक मारने लगती है। फैंग कहता है, ये क्या है। बालू कहता है, आपकी नोज काफी ज्यादा क्यूट है। फैंग कहता है, सच में तुम पागल हो। तभी बालू को यहाँ पर किसी का कॉल आता है जो कि कहता है, गुस्से में, तुम्हें अपनी माँ के सारे कर्ज चुकाने होंगे, समझी तुम। बालू कहती, हाँ मैं समझ गई, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। और यहाँ पर कॉल कट करके कहती है, कितना बड़ा वैम्पायर है वो। फैंग कहता है, क्या बात है। बालू कहती, कुछ नहीं, वैसे थैंक यू पूछने के लिए। तो फिर गुड बाय हबी।
और रैपर हबीब बोलते ही फैंग का दिल काफी तेज से धड़कने लगता है। फैंग कहता ये क्या हो रहा है मुझे, और तभी हम सीन देखते हैं यांग जी का जो कि पहुंच जाती फैंग की माँ के पास और यहाँ पर बाइल की काफी ज्यादा बुराई करती है और कहती आंटी आपके बेटे को उसने फंसा लिया है, वो फैंग को हम सबसे दूर करना चाहती है। मैं तो फैंग से बचपन से ही प्यार करती हूँ ना गुरु, मुझे नहीं मिला तो फिर लाइफ में जीने का क्या फायदा। फैंग की मम्मी कहते डोंट वरी मैं हूँ ना, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी, फैंग तुमसे शादी जरूर करेगा। और यहाँ पर गुस्से में फैंग को कॉल करती और कहते अगर तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो तो अभी की अभी अपनी वाइफ को लेकर होटल लंच पर चले आओ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। फैंग कहता है ओके। फिर आगे सीन देखते हैं जब बायलू कहती हाँ मैं होटल में आ चुकी हूँ तुम हो कहाँ, और तभी वहाँ अपने भाई से टकरा जाती है। शैन की तो तुम यहाँ क्या कर रही हो, बायलू कहती क्यों जानना है। शैन कहता है अच्छा तो फिर तुम यहाँ आकर किसी मैन के साथ सोने आई हो क्यों, इसलिए तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। तभी उसका फ्रेंड कहता तो क्या ये तुम्हारी बहन है ना, इस पर शैन कहता नहीं ये बहुत बड़ी लूजर है, और सुनते ही यहाँ पर वो थप्पड़ मार देती है और कहते अपनी बहन के बारे में जबान संभाल के बात करो। तो शैन काफी बिगड़ेल भाई है यहाँ पर। शैन गुस्से में कहता तुम ये मत भूलो कि तुम्हें 10 मिलियन के कर्जे चुकाने हैं और तुमने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारा, और आप उसे मारने जाते कि वहाँ पर फैंग आ जाता उसे रोक लेता है। शैन कहता है अच्छा तो फिर तुम बालू के कस्टमर हो ना, तो फिर इसके साथ सोने के जो भी पैसे हुए वो तुम मुझे दे दो। बालू गुस्से में कहते तुम्हारा दो, तभी फैंग कहता है मेरे सामने बोलने की हिम्मत, और तभी उसका सेक्रेटरी यहाँ पर थप्पड़ मार देता है। शैन कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम जान दे कि मैं जाओ का आदमी हूँ और जाओ मिस्टर फैंग के लिए काम करता है। सर फैंग कहते अच्छा, शैन कहते क्या तुम डर गए मेरी पहचान जानने के बाद, तभी चलो मुझसे माफी मांगो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूँ। तो फैंग कहता सेक्रेटरी से पहले इसके हाथ तोड़ो फिर पैर और फिर बाहर फेंक देना, और जाओ और ये मेरी कंपनी के गेट के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। सुनकर तो बालू काफी प्राउड फील करती और यहाँ पर सेक्रेटरी उनकी पिटाई करता है। तो शैन कहते क्या तुम मिस्टर फैंग हो, फैंग कहते बाहर निकालो इसे। शैन गुस्से में कहता है मैं तुम सबको देख लूंगा, और ये सब कुछ यांग जी बाहर से देख रही होती है। आगे वो कहती आंटी शांत हो जाओ। फैंग का तो कहता है मम्मी, मम्मी गुस्से में कहती सच में क्या तुम मुझे अपनी माँ मानते हो। बायलू कहती हाय मेरा नाम बायलू है मैं आपकी बहू हूँ, और यहाँ पर गिफ्ट देती है। वो देखती मम्मी गुस्से में कहती तो फिर गिफ्ट भी तो मेरे बेटे के पैसे का है ना। बायलू कहती हाँ लेकिन वो, फैंग कहता है मम्मी मेरे और बायलू की शादी हो चुकी है तो फिर हम तो कपल हुए तो मेरे पैसे तो इसके ही हुए ना। वे यांग जी कहती बायलू तो फिर अपने घटे ट्रिक से तुमने अमीर मैन को फंसा ही लिया। वे फैंग गुस्से में कहता यांग जी मेरी फैमिली डिनर पर तुम क्या कर रही हो। मॉम कहती मैंने इसे इनवाइट किया है, तुम्हें कोई परेशानी है। फैंग कहता है कुछ नहीं, और यहाँ पर ढेर सारा टेस्टी खाना देखकर बालू के मुंह में तो पानी आने लगता है। वे यांग जी कहती आंटी मैंने बताया ना कि ये दोनों बस बेस्ट फ्रेंड है, मैंने भी नीचे सबकी बातें सुनी जो मैंने आपको बताया वो सच था। इस पर बालू एक्टिंग करते कहती यांग जी मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे कैरेक्टर पर दाग लगाओगी। जो भी नीचे हुआ मेरे पतिदेव वहाँ पर थे, तुम पूछ लो इनसे, तुम बता क्यों नहीं देते। फैंग कहता है हाँ नीचे जो कुछ भी हुआ वो सारे मिलकर मेरी वाइफ को परेशान कर रहे थे और मैंने उन सबकी बैंड बजा दी। यांग जी तुम्हें क्या परेशानी है। बालू कहती हनी तुम बार बार यांग जी को रिजेक्ट करते हो, लगता है वो ना सुन पाती है ना समझ पाती है, तो फिर तुम्हारे बार बार ना कहने से कोई वो पागल तो नहीं हो गई, तो क्या हम यांग जी को हॉस्पिटल लेकर चलें। ये सुनते यांग जी गुस्से में कहती आंटी देखो ये मुझे भूले कर रही है। तो बालू कहती हनी ये देखो ये मुझे भूले कर रही है, और देखकर वो फैंग हंसने लगता है। आंटी बालू से कहती बस अपनी लोमड़ी जैसी बातें बंद करो और अपने बारे में अपने जॉब के बारे में बताओ। फिर फैंग कहता है धीरे से मेरी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है तो फिर तुम आराम से बोलना। बालू कहती ठीक है, और कहती आंटी तो फिर मैं बचपन से ही अनाथ हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाती थी, और हाँ गरीबी से बचने के लिए मैं तो पेट शॉप पर जॉब करती थी, मुझे जानवर काफी ज्यादा पसंद है। वो सुनकर मॉम गुस्से में कहती क्या तो फिर फैंग तुमने मेरी बहू बिना पहचान के लेके आई है, ये शादी खत्म। वो सुनते बालू मन में कहती क्या ये तो बड़ी चालू निकली, मेरी कहानी बताने पर भी इमोशनल नहीं हुई। फैंग को कहती कहो कुछ तो कहो। फैंग कहता है मम्मी चाहे जो भी मेरी शादी तो हो चुकी है ना। मॉम रोते हुए कहती अच्छा तो फिर वाइफ के आती माँ की इज्जत खत्म, और यहाँ पर रोने का नाटक करने लगती है, उनकी तबीयत खराब होने लगती है झूठ मूठ की। लेकर बालू कहती क्या सच में तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है। फैंग कहता है मैंने झूठ बोला क्योंकि तुम ज्यादा ड्रामा ना करो, तुम्हारे एक्टिंग से मुझे डर लगता है, लास्ट टाइम वाला मुझे अब तक याद है कि मुझे किसे थप्पड़ पड़ा था। सब बालू कहती वाह तुम तो बड़ी मेरी तारीफ कर रहे हो, डोंट वरी फिर से थप्पड़ नहीं पड़ेगा। कहता है वाइफ थैंक यू गले लगाने जाता कि तभी मम्मी जोर से चिल्लाती और कहती मेरा बेटा नहीं रहा। ये देखो यांग जी कितनी संस्कारी है कितनी दयालु है, तुम्हारी बालू से 1000 गुना बेस्ट है, लेकिन ये मेरी बात को नहीं मान रहा, यहाँ पर रोने लगती है जोर जोर से और फिर यहाँ पर बेहोश हो जाती है। यांग जी कहती है यांग जी आपको क्या हुआ। फैंग देखो आंटी बेहोश हो गई है। बालू कहते जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, चिल्लाती हेल्प हेल्प जल्दी करो आंटी बेहोश हो चुकी है डॉक्टर को बुलाओ। तो ये फैंग कहते मम्मी नाटक करना बंद भी करो, कल ही मैंने आपका फिजिकल चेकअप करवाया था आप बिल्कुल ठीक हो मुझे पता है,
चलो आप जल्दी से होश में आ जाओ। तभी यहाँ पर जिमिन चिल्लाते हुए आता है और कहता है, क्या किसने हेल्प मांगी, कहाँ आग लगी, मैं बुझा दूँ। जिमिन को देख पहले यहाँ पर काफी शौक होते और याद करती और कहती, तो वही लड़का है वो फन रियल वाला, क्रिस ने मुझे पहचान लिया। तो कहता जिमिन तुम यहाँ कैसे। जिमिन कहता है, मैं साइड वाले रूम में खाना खा रहा था, तभी मैंने हेल्प की आवाज सुनी और मैं यहाँ पर भागते हुए आ गया, लेकिन सब कुछ ठीक है ना। फैंग कहता है हाँ। जिमिन कहता है, ये कौन है। कहते है, मेरी वाइफ है। फिर बैलू को उठाता है, बैलू मना करती। फैंग कहता है, उठ भी जाओ। और कहता है, ये मेरी वाइफ बैलू है। बैलू मन में कहती है, भगवान प्लीज ये मुझे ना पहचाने। जिमिन कहते है, भाभी हम कहीं मिले हैं। बैलू कहती नहीं। बैलू कहती हाँ हम सपने में मिले होंगे। और यहाँ पर हंसने लगती है। इसमें फैंग कहते, तुम्हारी अजीब बात है, क्या तुम जिमिन को जानती हो। बैलू धीरे से कहती, हाँ ये मेरा पुराना कस्टमर है। फिर सुनकर फैंग चिल्लाता कहता है, क्या। तभी जिमिन कहता है, मुझे याद आ गया आप। नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। तभी आंटी यहाँ पर रोते हुए कहती है, मैं मर जाऊंगी, मेरा बेटा मुझसे प्यार नहीं करता। फैंग कहता है, मॉम मैं आपसे प्यार करता लेकिन बैलू से भी तो प्यार करता हूँ। और आप रोने लगती है। बैलू कहती है, मैं बाहर जाकर वेट करती हूँ, आंटी की तबीयत मुझे देखकर खराब कहीं ना हो जाए। और वो चली जाती है। और तभी यांग जी बैलू को बाहर जाता देखती है और फिर आगे जहाँ पर बैलू के ऊपर वेटर ड्रिंक गिरा देता है और कहता है, आई एम सॉरी मैंने देखा नहीं। बैलू कहती है, कोई बात नहीं। वेटर कहता है, हमारे होटल की सर्विस है, हमारी गलती है, तो फिर आप कपड़े चेंज करना चाहोगी। बैलू कहती कोई बात नहीं, वहाँ से जाने लगती है। कहती वेट, दाग वाले कपड़े देखकर रंग जी फिर से कोई तमाशा क्रिएट कर देगी और मम्मी गुस्सा हो जाएगी, मैं कपड़े चेंज ही कर लेती हूँ। और कहती तो फिर कहाँ है रूम। और वो सब कुछ देखकर रंग जी काफी हैप्पी होते और कहती है, बैलू तुम अब इंजॉय करो। आंटी कहती सारा इंतजाम हो गया। बैलू कहती कोई बात नहीं और वहाँ से जाने लगती, तभी रुकती और कहती दाग वाले कपड़े देख कर फिर से यांग जी को नौटंकी चालू कर देगी और फैंग की मम्मी गुस्सा हो जाएंगी। तो एक काम करती हूँ, मैं कपड़े चेंज ही कर लेती हूँ। और कहती तो क्या कपड़े कहाँ है। फिर कहता है इस तरफ और वो चली जाती है। और वो देख कर यांग जी कहती है, बैलू अब तुम इंजॉय करो। आगे वेटर कहता है, मिस बैलू आप इस रूम में जा सकती है। तो बैलू कहती वेट मैंने इसे अपना नाम बताया नहीं, तो फिर इसे मेरा नाम कैसे पता। और तभी यहाँ पर वेटर आ जाता है और यहाँ पर बैलू को बेहोश कर देता है और कहता अब तुम मेरी हो गई। सीन देखते जिमिन का कहता है, भाभी अब तक क्यों नहीं आई, कोई बात है क्या। फैंग कहता है आ रही होगी। तभी यांग जी कहती बुरा मत मानना पर मैं भी वॉशरूम गई थी ना, तो मैंने वहाँ बैलू को किसी मैन के साथ हंसते हुए देखा और वो उसके साथ होटल रूम में जा रही थी। फैंग गुस्से में कहता अपनी बकवास बातें बंद कर। हम गुस्से में कहती क्या तुम प्यार में पागल हो चुके हो। यांग जी कहती तो फिर जाकर हम चेक कर लेते ना। फैंग कहता है मैं 100% श्योर हूँ कि बैलू वैसी लड़की नहीं है। यांग जी कहती तो फिर ठीक है, चेक करने में क्या जाता है, चलो मेरे साथ। और फैंग को जबरदस्ती लेकर जाती है। आगे सबको होटल रूम की तरफ जाते। यांग जी कहती वो रूम नंबर रहा, तो मैं सोचो अगर वो बैलू का फ्रेंड होता तो फिर उसके साथ होटल रूम में वो क्यों जाती। फैंग कहता चलो अंदर और सब अंदर चले जाते। तभी जिमिन कहते हैं क्या ये तो भाभी के कपड़े हैं ना। वो देखकर फैंग गुस्सा हो जाता है और जाकर ब्लैंकेट को हटा देता है। तभी वह दूसरी लड़की चिल्लाती है और यहाँ पर फैंग शाय फील करता है। उसका हस्बैंड कहता है क्या पागलपन है, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। यांग जी कहती क्या यहाँ तो बैलू होनी चाहिए थी। वो काफी शौक हो जाती है। फैंग की मम्मी कहती क्या तुमने ठीक से काम नहीं किया। फिर बैलू आती और कहती क्या मेरे यहाँ सब कोई वेट कर रहा है। फैंग कहते वाइफी तुम ठीक तो हो। बैलू गुस्से में कहती तो फिर मिस यांग जी तुम्हें तो मेरी बहुत ही फिक्र हो रही है, तुम यहाँ क्यों आई। यांग जी कहती वो मैं बस तुम्हें खोजने आई थी कि तुम ठीक हो कि नहीं। बैलू कहती देख लिया मैं जानती कि सब तुम्हारी चाल थी, तो फिर मॉम आपको क्या लगता है यांग जी की गलती थी कि नहीं। मॉम कहती सब कुछ ठीक है ना, तो फिर हम यहाँ से जाते हैं। यांग जी जाने लगती तो फिर फैंग गुस्से में कहता है माफी कौन मांगेगा। यांग जी कहती आंटी देखो ना। फैंग कहता गुस्से में मॉम आपने कहा था ना कि मुझे अपनी गलती पर हमेशा माफी मांगनी चाहिए, तो फिर यांग जी माफी मांगेगी बैलू से। यांग जी कहती आई एम सॉरी और वहाँ से दोनों चले जाते हैं। फिर बैलू कहती कब्र से आई एम सॉरी हमें माफ कर देना और वहाँ से फैंग को लेकर चली जाती है। फिर आगे फैंग कहता है वैसे क्या गोलमाल है। फिर बैलू यहाँ पर होटल रूम नंबर के प्लेट को चेंज करते और कहते ये देखो ये सब कुछ यांग जी का ही प्लान था मुझे वेटर के साथ फंसाने का। चलो मेरे साथ रूम पे, जहाँ पर उसने वेटर को बांध रखा होता है और उसकी पिटाई की होती। वो देखकर फैंग तो काफी शॉक हो जाता है। बैलू याद करती है जब वेटर से टच करने जाता कि तभी उसकी वो पिटाई कर देती है और कहती सच बोलो तुम्हें किसने भेजा है वरना मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। वेटर कहता है मुझे किसी ने नहीं भेजा। बैलू गुस्से में कहती तो फिर ठीक है मुझे जुड़ो आते हैं, तुम्हें पता है ना मैं उसकी चैंपियन हूँ, अभी मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ती हूँ फिर तुम्हें पता चल जाएगा। वेटर कहता है वेट मैं तुम्हें सच बताता हूँ यांग जी ने मुझे पैसे दिए थे। और उसके बाद बैलू रूम नंबर चेंज कर देती है, कहती अब मजा आएगा उसे। फिर वापस इन बैलू का वो कहती मैं स्मार्ट हूँ ना। वेटर कहता है प्लीज आपकी वाइफ को कह दो मुझे माफ कर दे, आपकी वाइफ मुझे खा जाएगी। इस पर फैंग गुस्से में उसे मारता है। फैंग कहता है आई एम सॉरी लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हें इंसाफ दूंगा। बैलू कहती है सॉरी नहीं मुझे पैसे दो। फैंग कहता है क्या। बैलू कहती है 3 मिलियन। फैंग कहता है पैसे छोड़कर तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं आता। बैलू कहती है क्या ये ज्यादा हो गया, तो फिर 1 मिलियन। फैंग कहता है घर चलो। बैलू कहती क्या घर वो भी तुम्हारे साथ। फैंग कहता है हाँ मेरी मॉम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी।
और यांग जी को भी तो हमें भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हम दोनों कपल हैं। बालू कहते ठीक है तो फिर मैं सामान लेकर आती हूँ। फैंग कहता मेरे घर में सब कुछ है। बालू कहती नहीं हनी और यहाँ पर स्माइल देती। फिर आगे सीन जहाँ पर यांग जी कहती है, सीन यांग जी का जो कि गुस्से में कहती है आंटी तो क्या हम फैंग को बालू से अलग नहीं करेंगे। मॉम कहती है मेरे बेटे को मैं जानती हूँ काफी ज्यादा जिद्दी है, उसके आगे कोई नहीं टिकता, पर डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ हूँ। यांग जी कहती तो फिर ठीक है मैं जाती हूँ फैंग से मिलने। फिर आगे सीन जब बालू कहती क्या OMG इतना बड़ा घर तो फिर मैं कहाँ रहूंगी। फैंग कहता स्टडी रूम को छोड़कर तुम जो चाहे रूम ले सकती हो। बालू कहती है कोई बात नहीं मैं किसी के प्राइवेट स्पेस में नहीं जाती। और आप अपना सामान ओपन करती है कहती है फोटो मैंने एडिट की है। तो फिर हम एक लवली कपल है हमारी फोटो हॉल में तो होनी चाहिए ना। और एक मिनट इसे तो देखो। वो देखकर फैंग काफी शॉक हो जाता है और बालू उसे सोफे के नीचे रख देती है। फैंग कहता तुम सब क्या कर रही हो। बालू कहती वेट और अपने हेयर को नोच के सोफे पे डाल देती है और कहते अब ये घर परफेक्ट कपल का लग रहा है। फैंग कहता सच में तुम काफी ज्यादा प्रोफेशनल एक्टर हो। बालू कहती तो फिर और यहाँ पर वो गिरने जाती तभी फैंग उसे पकड़ लेता है। दोनों की प्यार वाली नजरें टकरा जाती तभी बालू कहती डोर बेल। फिर आगे जब फैंग कहता है यांग जी तुम यहाँ कैसे। जी कहती मैंने आपके सारे फ्रेंड से रिलेटिव से पूछ लिया किसी को भी नहीं पता कि आपकी शादी हुई इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला। फिर बालू चिल्लाते हुए आती और कहती बेबी कौन है। और यांग जी कहती क्या तुम मेरे घर क्या कर रही हो। उस पर यांग जी गुस्सा हो जाती कहती क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो ये सब बस एक नाटक है। और तभी रूम में फोटो को देखकर वो पागल हो जाती है। बालू कहती घूर क्या रही हो ये मेरे पति में इनकी वाइफ हूँ और ये हमारे कपल वाला फोटो है। इस पर यांग जी गुस्से में सोफे पर बैठ जाती कि तभी उसे बालू का कपड़ा दिख ही जाता है। तो देखती है यहाँ पर बालू की नौटंकी। हनी आप कितने ज्यादा नोटी हो सब हमारी चीजें आप इसे बाहर कैसे रख सकते हो मुझे शायद फील हो रहा है मैंने रात को आपको मना किया था ना। फैंग कहते पूरे घर में से चीजें बिखरी पड़ी हैं तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। यांग जी गुस्से में कहते क्या तुम बेशरम कहेंगी। इसे बालू कहती क्या बिना मेरे परमिशन के तुम मेरे घर के अंदर घुस आई और मुझे बेशरम कह रही हो। हनी देखो ने मुझे डांट रही है। फैंग कहते बेबी तुम्हें कोई नहीं डांट सकता और तुम निकलो यहाँ से। मुझे कहती नहीं बालू कहती तो फिर ठीक है तुम हम दोनों के प्यार को लाइव देखना चाहती हो ना हम दिखाते हैं। और यहाँ पर फैंग को पकड़ लेती वो देखकर यांग जी काफी गुस्सा हो जाती और वहाँ से वो चली जाती है। और देखकर बालू कहती मैं तो जीत गई ना तो फिर मेरी एक्टिंग कैसी थी। फैंग कहता है परफेक्ट। बालू कहती तो फिर अब मुझे अमीर वाइफ बनने का नाटक करना है दिन भर बस शॉपिंग करनी और पैसे उड़ाने हैं ना। फैंग कहता है बिल्कुल नहीं अपना दिमाग मत चलाओ कल से तुम मेरे साथ कंपनी में चलोगी हम दोनों साथ काम करेंगे। बालू कहते लेकिन मैं दो पेड शॉप पर हेल्पर की जॉब करती थी। फैंग कहते मेरी वाइफ कहीं जॉब नहीं करेगी किसी हेल्पर की और ना ही तुम एक्टिंग करोगी। पेट काफी ज्यादा पसंद है ना तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे जानवर को हॉस्पिटल खोल देता हूँ रुको मैं सेक्रेटरी कहता वो डील कर देगा। बालू कहते वेट ऐसा मत करो मैं जॉब में तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर मन में कहता है किसी को पता चला कि मैं मिस्टर फैंग की वाइफ हूँ तो फिर फ्यूचर में डिवोर्स के बाद मुझे काम नहीं मिल पाएंगे एक्टिंग के। तो फिर कहती मिस्टर फैंग मेरी एक शर्त है कि आप हमारी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे ऑफिस में। फैंग कहता है तुम्हारी मर्जी। फिर आगे से ऑफिस कहां जब बालू कहती है भगवान जी प्लीज मेरा पीछा छुड़ा दो इन सारी मुसीबतों से। और यहाँ पर प्रे करती कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाते और कहती है काम छोड़कर तुम यहाँ पर प्रे कर रही हो सारी फाइल्स को आज के आज बनानी है। बालू कहती है क्या मैं तो यहाँ नहीं हूँ ना तो फिर इतना सारा काम। इसे मैनेजर चिल्लाते और कहती है बिल्कुल नहीं तुम्हें काम करना है तो करो वरना तुम यहाँ से चली जाओ। ये देखकर बालू काफी गुस्सा हो जाती है। फिर आगे जब मैनेजर जाती है यांग जी के पास और कहती जैसा कि आपने कहा था मैंने बालू को ढेर सारा काम दे दिया है। यांग जी कहती लड़की इस ऑफिस में नहीं टिकनी चाहिए तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी मिस्टर फैंग की मॉम से मेरी पहचान है। फिर आगे सीन जब बालू सोते हुए जागने की एक्टिंग करती है और तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाती है और कहती क्या डॉक्यूमेंट नहीं बने काम चोर कहेंगी। तभी आने कहती मैं बालू की हेल्प कर देती हूँ वो नहीं है यहाँ पर। बालू खुद से कहती बालू शांत हो जा तुझे तमाशा नहीं करना। और मैनेजर उसकी फ्रेंड बालू की इंसल्ट करने लगते हैं और यहाँ पर गुस्से में बालू के विश पेपर को फेंक देते हैं। इस पर बालू गुस्से में कहती क्या तुमने मेरे मनी प्लांट के पत्तों को क्यों तोड़ा। मैनेजर कहती अच्छा और यहाँ पर पूरे पौधे को तोड़ देते और कहती देखो मैंने तो बड़ा गमला ही तोड़ दिया तुम्हारा। ये देखती बालू गुस्से में उसके बाल नोचने लगती है तभी यानी कहती बस करो जाने दो उसे। तो मैनेजर गुस्से में कहती बस बहुत हुआ मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करती हूँ निकलो यहाँ से। बालू गुस्से में कहती मैं भी देखती हूँ कि इसकी इतनी हिम्मत जो मुझे यहाँ से निकाले। मैनेजर कहती क्या तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो। बालू कहती हाँ हूँ तो तुम क्या कर लोगी। तो मैनेजर हंसते कहती क्या तुम्हारे पास तो कॉलेज की डिग्री भी नहीं है मिस्टर फैंग तुम जैसे लड़के को अपने पास खड़े भी नहीं होने देंगे वाइफ तो दूर की बात है। बालू कहती अच्छा और यहाँ पर फैंग क्रेडिट कार्ड को निकालते कहती ये देखो ये मेरे हबी फैंग का कार्ड है। वो देखे मैनेजर काफी शॉक हो जाते कहती क्या ये तो सच में ब्लैक कार्ड है मिस्टर फैंग का इस पे तो नाम भी लिखा है। दूसरी कहती पक्का मिस्टर फैंग का कार्ड गिरा होगा इसने चुरा लिया होगा।
भाई लोग उस समय कहते, मुझे पता कि सब कुछ करने के लिए तुम्हें किसने कहा है, तो फिर मेरे सामने ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। ये सुनते दोनों गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर आगे आने कहती, क्या सच में आप मिस्टर फैंग की वाइफ है, प्रेसिडेंट की वाइफ, आपने हमें क्यों नहीं बताया? और यहाँ पर सब कोई बालू के आगे पीछे घूमने लगता है। सुन बालू मन में कहती, क्या सच में मैंने सबको सच बता दिया? मैंने खुद ही फैंग को तो मना किया था ना, और मैंने ही बोल दिया। फिर आगे मैनेजर आती और कहती, तुम प्रेसिडेंट की वाइफ हो तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो है कि एम्प्लॉय हो ना। बालू कहती है, मतलब? मैनेजर कहते हैं, अगर तुम वाकई काबिल हो प्रेसिडेंट की वाइफ बन गई तो फिर ठीक है, आज रात का मिस्टर वांग के साथ जो प्रोजेक्ट है तुम हमें वो दिलवा दो, हम तुम्हें मान जाएंगे कि तुम सच में कैपेबल हो। बालू कहते ठीक है। फिर आगे सीन जब तीनों डिनर पर जाते हैं प्रोजेक्ट के लिए, और यहाँ पे मैनेजर का प्लान होता है कि ड्रिंक करवा के बालू को बेहोश करने का, लेकिन बालू तो काफी अच्छा ड्रिंक करती है, यहाँ पर ड्रंक नहीं होती। वो देख तो देख के मैनेजर कहती, मुझे नहीं पता था कि लड़की इतना अच्छा ड्रिंक करती, प्लान भी ट्राई करना होगा। कहती है, तुम ले जाकर मिस्टर झाओ को कार तक छोड़ाओ, और बालू से वहाँ से लेकर जाती है। तभी वॉन कहते, तो ड्रंक नहीं हुई अब तक? मैनेजर कहती, मेरे पास एक और प्लान है, और यहाँ पर वो ड्रिंक में नशे की चीज मिला देती है। कहती, तो फिर मिस्टर वॉन प्रोजेक्ट तो मेरा हुआ ना? वॉन कहते हैं, हाँ तुम्हारा हुआ। फिर आगे जा वॉन कहता है, तो फिर मिस बालू ये लास्ट ड्रिंक और फिर प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। तभी मैनेजर कहती, हम दोनों बाहर जा रहे हैं वॉशरूम, अभी आते हैं। और बालू यहाँ पर ड्रिंक करते उसे चक्कर आने लगते हैं, और तभी वॉन कहता है काम हो गया, और यहाँ पर बालू बेहोश हो जाती है। वॉन कहते हैं, तो फिर चले। फिर तभी हम सीन देखते हैं फैंग का, जो कि बालू को कॉल करता है, फोन उसका स्विच ऑफ बताता है। तभी वहाँ पर यानी आती है, और फैंग के पूछने पर वो बताती है कि बालू तो मैनेजर के साथ मिस्टर वॉन के साथ डील करने के लिए गई थी, और वो भी होटल के अंदर ही है। सुनते फैंग शॉक हो जाता है, कहता है क्या? फिर आगे सीन जब वॉन बालू को लेकर कार में जा रहा होता है, तभी वहाँ पर फैंग आता है और कहता है, गुस्से में मेरी वाइफ को लेकर कहाँ जा रहे हो? कहते, मिस्टर फैंग आप, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपकी वाइफ है। फैंग गुस्से में चिल्लाता और कहता है, हटो यहाँ से, और अपने सेक्रेटरी से कहते इसे ठिकाने लगा देना, और बालू को उठा वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर आगे सीन जब बालू काफी ज्यादा नशे में होते, कहती हनी, और आप इसकी टैको ही खाने लगती है। फैंग गुस्से में कहता, उन सब ने मेरी वाइफ के साथ क्या किया है? तभी बालू यहाँ पर फैंग के ऊपर आ जाती है, और यहाँ पर कहती मुझे काफी हॉट फील हो रहा है, और यहाँ पर जबरदस्ती किस करने लगती है। फैंग उसे रुकने की कोशिश करता है, बालू कहती नहीं। फैंग चिल्लाता और कहता, ड्राइवर जल्दी घर चलो। और बालू, तुम थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर सकती, तुम काफी ज्यादा पछताओगी। इसे बालू कहती नहीं, मुझे कंट्रोल नहीं करना, और यहाँ पर उनका रोमांस चालू हो जाता है। फिर आगे सीन घर का, जहाँ पर फैंग बालू को बाथटब में डाल देता है। फिर बालू चिल्लाते कहती, मैं तो डूब गई, कोई मुझे बचाओ। फैंग कहते, ध्यान से देखो तुम बाथटब में हो, और वहाँ से जाने लगता है कि तभी बालू उसका हाथ पकड़ उसे खींच लेती और पानी में गिरा देती है, और कहती आप ना जाओ। फैंग कहता, तुम ना होश में तो हो? बालू कहती, काफी अच्छा स्मेल कर रहा है, और यहाँ पर उसके फिंगर्स को भी बाइट कर लेती है। फैंग काफी जोर से चिल्लाता है, कहता है क्या तुम कोई डॉग हो? बालू कहती नहीं, और यहाँ पर इनका रोमांस हो जाता है। नेक्स्ट सीन लवली नाइट के बाद मॉर्निंग का, यहाँ पर बालू कहती मेरे कपड़े, और अपनी हालत देख कहती क्या फैंग, तो हमने सब कुछ कर लिया। नहीं ना, फैंग कहता हमने सब कुछ कर लिया। बालू कहती क्या मुझे कुछ याद क्यों नहीं? फैंग कहता डोंट वरी, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है ना, तो फिर हमने जो कुछ भी किया वो तो सही था ना, वैसे तुम काफी ज्यादा सॉफ्ट हो। बालू गुस्से में कहती जो भी हो तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फैंग यहाँ पर चिढ़ाता है और कहते तुम कपड़े पहनकर जल्दी चलो काम पर, वैसे चला जाते कि तभी बालू चिल्लाते कहती वेट, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। फैंग जा चुका होता है। बालू कहती क्या तो सच में मैंने सब कुछ कर दिया, मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। फिर आगे से देखते ऑफिस का, जब मैनेजर रूमर फैला दी थी कि बालू मिस्टर वॉन के साथ प्रोजेक्ट के लिए सोई थी। ये सुनने के बाद सब की यहाँ पर बालू के बारे में बातें बनाने लगते हैं, सब उसकी इंसल्ट करते हैं। मैनेजर कहती है मैं तुम्हें फायर करती हूँ। बालू कहती नाटक बंद करो, सब तुम्हारे ही प्लान था। कि तभी यहाँ पर फैंग आ जाता है और कहता है किसने कहा कि मेरी वाइफ को फायर कर सकता है? मैनेजर कहती ये देखिए कल रात मिस्टर वैंग के साथ थी प्रोजेक्ट के लिए, हमारे पास प्रूफ है इस बात का, आप देखो उनके साथ डिनर पर अकेले गई थी। दूसरे कहती हाँ इसने मिस्टर वैन को सेड्यूस किया था इसलिए तो इसके पास आ गई। एक बालू गुस्से में जोरदार थप्पड़ मारती और कहती तुम सब ने मिलकर मुझे फंसा, यहाँ पे नाटक बंद करो। फैंग कहता है सेक्रेटरी सबको वीडियो दिखाओ, जहाँ पे मैनेजर बालू की वाइन में नशे की गोलियां मिला रही होती है। तो देखकर दोनों तो काफी शॉक हो जाते, और तभी यहाँ पर वॉन को बुलाता है। वॉन कहता तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया, तुमने कहा कि तुम मुझे किसी लड़की से मिलाने वाले हो, और वो तो मिस्टर फैंग की वाइफ निकली। तुम्हें पता है कि मिस्टर फैंग मुझे कल रात को मार ही डालते, और यहाँ पर दोनों के बारे में सब कुछ बताता है। और सुनते यहाँ पर फैंग उनकी इंसल्ट करता है और दोनों को जॉब से निकाल देता है। और यहाँ पर सबको सच्चाई पता चल जाती है कि बालू की कोई गलती नहीं थी। और फैंग बोलता है इस ऑफिस के मैनेजर और डायरेक्टर बालू है, तो वाइफ ही चले घर। आगे जा फैंग गुस्से में कहते तुम्हें सब कुछ कमरे में भूले कर रहा है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बालू कहती मुझे लगा कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। फैंग गुस्से में कहता अच्छा तो ये सब मिलकर तुम्हें किसी और मैन के साथ फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे और तुम इसे हैंडल करना कहती हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो? बालू कहती शांत हो जाओ, कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम आ गए ना वहाँ पर।
अंकिता, जो भी आज की बात तुम्हें कोई भी परेशान हुई तुम मुझे सबसे पहले बताओगी। तुम समझी बालू की थी, पतिदेव शांत हो जाओ। फिर मैं आज खाना बनाऊंगी स्पेशली तुम्हारे लिए। वेंकेता, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? बालू कहती, हाँ थोड़ा सा। फिर आगे से यहाँ पर डिनर बनाती है और कहती रेडी हो चुका है। वेंकेता, क्या मैं स्पाइसी नहीं खाता? बालू कहती, क्या पर मुझे तो बस ये दो डिश ही बनाने आती है। वेंकेता, तो फिर हम बाहर चले। बालू कहती, नहीं मैं ही तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। एक काम करो, आप मेरा जाकर वेट करो, मैं खाना बनाकर आपको बुलाती हूँ। फैंक चला जाता है और अपने बालू खाना ऑर्डर कर देती है होटल से। फिर आगे जाओ फैंक को बुलाने के लिए स्टडी रूम में जाती कि जहाँ पर वो फैंक की फोटो देखती किसी लड़की के साथ। वो देखकर काफी शॉक हो जाती और कहती, क्या तो ये फैंक की एक्स गर्लफ्रेंड है? तभी फैंक आता है, गुस्से में कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि मेरे स्टडी रूम में बिना पूछे मत आना। बालू गुस्से में कहते, मैंने तो आवाज दी थी ना, तो फिर तुम नीचे क्यों नहीं आए? और मैं जा रही हूँ यहाँ से कि तभी दरवाजे पर अपना सिर पटक लेती है। कहते, तुम भी ना, तुम हमेशा करती क्या रहती हो, चोट लगी ना? बालू कहती, नहीं तो मेरा सिर तो लोहे का बना है ना। फैंक कहते, तो फिर खाना? बालू गुस्से में कहती, खाना जाकर खुद बना लो या फिर खा लो ऑर्डर करके। और वहां से गुस्से में चली जाती। फैंक कहता, अब इसे क्या हो गया? और अपर फोटो को देखता है। देखकर बालू काफी गुस्सा हो जाती और जेलस भी हो जाती। आगे जाओ गुस्से में कहती, धोखेबाज कहीं के चालबाज कहीं के दिल में कोई और लड़की है और तुमने मुझे अपनी वाइफ बनाया? झूठे, सबसे बड़ी बुद्धू को मैंने ट्रस्ट कर लिया, लेकिन वेट मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ? वैसे भी तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना। फिर आगे से नेक्स्ट डे का ऑफिस का, जहाँ पर ऑफिस में बालू की मॉम आ जाती है और कहती, बालू तुमने अपने भाई की पिटाई करवाई है? लेकिन वो सब तो छोड़ो, तुम्हें देख कर लग रहा है तुम काफी अच्छा खासा कमा रहे हो, कितनी महंगी कार से तुम आई? बालू कहती, क्या चाहिए? बालू की माँ, 10 मिलियन चाहिए मुझे। बालू कहती, क्या पागल हो गई हो आप? मैं पैसे नहीं देने वाली। इस पर थप्पड़ मारने जाती। बालू कहती, बस बहुत हुआ, आपने बस मुझे जन्म दिया, लेकिन क्या कभी आप मेरी माँ बनी हो? आप बस मुझसे पैसे लेना जानती हो? इस पर उसकी माँ रोने का नाटक करने लगती है। बालू गुस्से में कहती है, 5 मिलियन इस कार्ड में और आज के बाद अपनी फेस मत दिखाना मुझे। और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर आगे सीन जब यानी कहती, क्या तुम्हारा मूड खराब है? बालू कहती, हाँ थोड़ा सा। और यहाँ पर वो फैंक की बातों को याद करती है। यानी कहती, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए ले चलू कहीं? बालू कहती, कहाँ? फिर आगे सीन बार का, जहाँ पर फैंक अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। उसके फ्रेंड कहते, तुम्हारी तो शादी हो गई लेकिन तुमने अपनी वाइफ से मुझे अब तक नहीं मिलाया और तुम हम सबको भूल गए हो क्यों? फैंक की तो तुम्हारी भाभी अपने फ्रेंड के साथ घूमने गई है। और तभी हम देखते हैं यानी को, जो कि बालू के साथ सेम बार में आ जाती है। बालू कहते, क्या तुम इसे कहते हो फ्रेश होने की जगह, रिलैक्स करने की जगह? यानी कहती, हाँ लेकिन मैं तो भूल गई कि आपकी शादी हो गई है ना, तो फिर मिस्टर फैंक गुस्सा करेंगे। तो बालू मन में गुस्से में कहती, वो घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में है, तो वो कौन होता है मुझ पर गुस्सा करने वाला? बालू कहती, कोई बात नहीं, चलो हम इंजॉय करते हैं। फिर आगे सीन जहाँ पर जिमी नशे में बालू को देखता है और कहता है, फैंग वो तो भाभी है ना, सामने देखो। फैंग कहता है, क्या तुम पागल हो, वो यहाँ क्या करेगी? रुको मैं उसे कॉल करता हूँ। और यहाँ पर बालू कॉल को रिसीव नहीं करती। तभी जिमी कहता है, ध्यान से देखो, वो भाभी ही है। और बालू को देखते फैंग काफी गुस्सा हो जाता है और उसके पास जाता है। कहते, उतनी ब्यूटीफुल लड़की कौन है? जिमी कहते, वो हमारी भाभी है। फैंग तुम सबकी पिटाई कर देगा, ध्यान से बोलना कुछ भी। फिर आगे सीन जहाँ फैंग गुस्से में कहता है, तुम घर चलो या फिर एक्सप्लेन करो तुम यहाँ क्या कर रही हो। यानी कहती, सारी मेरी गलती है, मैं जबरदस्ती बालू को यहाँ लेकर आई थी। तभी बालू को धक्का मारती। बालू कहती, हाँ तुमने मुझे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, तो काम के प्रेशर की वजह से मैं यहाँ रिलैक्स करने चली आई, तो ये तुम्हारी गलती। फैंग गुस्से में कहता, क्या तो ये मेरी गलती है? तभी जिमी कहता है, फैंग जाने भी दो, भाभी फर्स्ट टाइम हमसे मिली, तुम गुस्सा तो मत करो, भाभी कुछ बोलो तो। तभी बालू कहती, हाँ आई एम सॉरी, लेकिन हम घर जाकर सारी बातें करेंगे, ठीक है? तभी सारे फ्रेंड्स कहते, तो फिर चीयर्स फैंग की शादी के लिए। और यहाँ पर बालू भी ड्रिंक करते हुए देखकर फैंग काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। फैंग का फ्रेंड कहता है कि लगता है कि फैंग अब तक नोनो से नहीं मिला है। बालू कहती, क्या नोनो? फ्रेंड कहता है, हाँ कॉलेज टाइम में तो यूनिवर्सिटी को फैंग और नोनो के प्यार के बारे में पता था, सबको जानते थे, उनके प्यार के चर्चे होते थे। इस पर जिमिन कहता, अपना मुंह बंद रखो। फ्रेंड कहता, नहीं भाभी आपको सब पता होना चाहिए, वरना फ्यूचर में नोनो आपके सामने आ गई तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए ना, तभी तो आप उसे सबक सिखाओगी, वरना वो फैंग को आपसे दूर लेकर चली गई तो। सुनकर यहाँ पर बालू काफी शॉक हो जाती। तभी यहाँ पर फैंग आता है और कहता है, क्या बातें? बालू कहता है, कुछ नहीं, आपके फ्रेंड ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो आप इन्हें घर छोड़ने का इंतजाम कर दो। फैंग कहते, तुम चलो यहाँ से। फिर आगे सीन जा गुस्से में फैंग कहता है, तुम बार में क्यों आई हो? बालू कहती, मेरी मर्जी। और यहाँ पर नोनो को याद करते और कहती, तुम धोखेबाज और तुम चालबाज हो। फैंग कहता, जो भी हो तुम यहाँ नहीं आ सकती। और सब कुछ देख कर बालू का भाई काफी हैप्पी होता है, कहता है, फाइनली मेरी बहन ने काफी अमीर लड़का फंसाया है, तो फिर मुझे कितने पैसे मिलेंगे? फिर आगे सीन जब बालू की माँ कहती, क्या उसने इतने अमीर लड़की से शादी की और मुझे बताया नहीं, और मिस्टर फैंग की वाइफ है। फिर आगे सीन जब बालू से पैसे मांगने चली आती ऑफिस और कहती, ब्राइड प्राइस कहाँ है? बालू कहती, मैंने कोई ब्राइड प्राइस नहीं ली। उसकी मॉम कहती, तो फिर तुम मुझसे लो।
तुम फैंग से अपने भाई के लिए कोई विला मांग लो, कोई फ्लैट मांग लो, कार भी मांग लो, तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है। बालू गुस्से में कहते, क्या पागल हो चुकी हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। कि तभी उसे थप्पड़ मार देती है। बालू कहते, आपको जो करना करो, मैं फैंग से कुछ नहीं मांगूंगी, और आज से आपका मेरा रिश्ता खत्म होता है। और वहां से गुस्से में चली जाती है। बालू की माँ कहती, मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं मानती मेरी बात को। फिर आगे जहाँ पर वो चिल्लाने लगती है ऑफिस में, यानी कहती, तुम्हारी मॉम तो सुबह से चिल्ला रही है, वो भी माइक लगा के। बालू कहती, मैं कुछ करती हूँ। आगे जाती है फैंग के पास और कहती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे कुछ बातें करनी है। फैंग कहता, पहले तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी। फिर आगे से पार्टी कहाँ जा पर जाती है फैंग के साथ, और कुछ समय बाद उसे फैंग नहीं मिलता। और सेक्रेटरी से पूछती है, फैंग कहाँ है। सेक्रेटरी कहता, वो उस तरफ गए हैं। बालू कहती, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। और कहती फैंग की, तभी वो फैंग को नोनू के साथ देखती है, जहाँ नोनू कहती, फाइनली मैं वापस आ गई, आई लव यू फैंग। देखकर काफी गुस्सा आ जाते, गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। फिर फैंग कहता, नोनू तुम यहाँ क्यों आई हो। नोनू कहती, तुम्हारे लिए, तुम मुझसे प्यार करते थे ना। फिर फैंग गुस्से में देखता है। फिर आगे सीन, जब सेक्रेटरी कहता है, तो भाभी आपको मिस्टर फैंग नहीं मिले। बालू गुस्से में कहती, वो अपने लवर के साथ अंदर बिजी है, तो फिर मेरी क्या जरूरत है। सेक्रेटरी कहता है, क्या ऐसी बात नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो फैंग की लाइफ में आपके सिवा और कोई लड़की नहीं है। कि तभी आप फैंग आ जाता है और कहता है, क्या बात है। बालू गुस्से में कहते हैं, बाहर जाकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कि तभी नोनो कहती, वेट, पार्टी तो अब तक खत्म नहीं हुई ना, तो फिर तुम इंजॉय क्यों नहीं करती। ये सुनती बालू वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नोनो कहती, फैंग लगता है तुम्हारी वाइफ मुझे पसंद नहीं करती। फैंग गुस्से में कहता है, तुम जानती हो ना कि मैं मैरिड हूँ, तो फिर पब्लिक में तुम मेरे पास मत आओ। कहती, क्या तो फिर प्राइवेट में मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। सेक्रेटरी कहता है, बॉस मैम आपसे गुस्सा है। आगे से बालू कहती, ड्राइवर से जल्दी घर चलो। तभी उसे मैसेज आता है फन रियल में एक्टिंग करने का, किसी की गर्लफ्रेंड बनने का। बालू कहती, ठीक है तो फिर मैं अपने फ्यूचर को बचा लेती हूँ। फैंग तो नोनो के आने के बाद मुझे डिवोर्स देने ही वाला है, तो फिर मुझे कुछ तो करना ही होगा ना। तो यहाँ पर जॉब के लिए हाँ कर देती है। फिर आगे सीन, जब वो फनरियल में जाकर गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करते, कहती, आंटी मैं आपकी बेटी की गर्लफ्रेंड हूँ, आपका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उस दुनिया में अब नहीं बचा। और यहाँ पर रोने लगती है। आंटी को भी बालू की बातों पर ट्रस्ट हो जाता है, और यहाँ पर फाइनली आंटी को चिप करवा देती है। तभी वहाँ पर फैंग को देखते कहती, क्या अब मेरा गेम तो बच गया। आंटी कहती, मिस्टर फैंग आप यहाँ। फैंग कहते, आई एम सॉरी, आपका जो भी लॉस हुआ, लेकिन वो मेरा कंपनी का एम्प्लॉय था, तो मुझे तो यहाँ आना ही था ना। सेक्रेटरी कहता है, मिस्टर फैंग की तरफ से आपके लिए छोटी सी हेल्प, और यहाँ पर 10 मिलियन का चेक देता है। आंटी रोते हुए कहती, मेरा बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया ना, मैं पैसे को क्या करूंगी। और कहती, बेटा तुम इधर आओ। और यहाँ पर बालू का हाथ पकड़ती है। बालू अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है। आंटी कहती, पैसे मुझे नहीं चाहिए, तुम रख लो इसे। बालू कहती, क्या मैं पैसे को क्या करूंगी, मेरा बॉयफ्रेंड तो मर गया ना। और वहां से रोते हुए जाने लगती है। तभी फैंग कहता, वेट बालू, ये तुम हो ना। बालू कहता, नहीं। सेक्रेटरी कहते, भाभी। बालू वहां से भागने लगती है। कि तभी फैंग उसे पकड़ लेता है और कहता, आंटी डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। वहां से चला जाते है। फिर आगे से कार का, जब बालू गुस्से में कहती, मैं यहाँ पर अपने काम पर आई थी, फिर तुमने सबके सामने मुझे एक्सपोज क्यों किया। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो फिर मुझे फ्यूचर में जॉब कौन देगा। फैंग कहते, क्या मेरी बीवी को काम करने की क्या जरूरत है। बालू कहते, क्या बीवी तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो, ये मत भूलो, तुम इतने भोले मत बनो। फैंग कहता, डिवोर्स मैंने कब कहा। बालू कहती, कॉमन सेंस है, तुम्हारी नोनो वापस आ गई, तो फिर तुम मुझे डिवोर्स तो दोगे ही ना, या फिर एक घर वाले और एक बाहर वाले रखने का प्लान है तुम्हारा। फैंग कहता है, तो क्या मेरे गधे दोस्तों ने तुमसे ये सारी बातें कही हैं। बालू कहती, अच्छा तो स्टडी रूम में जो तुम्हारी फोटो थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ, अभी जो तुम चिपके थे पार्टी में उसके साथ, ये सब कुछ तुम्हारे फ्रेंड ने करवाया, तुम मेरे सामने अच्छे बनने की नौटंकी मत करो। तो फैंग यहाँ पर उसे किस कर देता। इस पर बालू गुस्सा हो जाते और कहते, मैंने कहा कि दूर रहो मुझसे, और हाँ तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। कहता, डिवोर्स मैं तुम्हें सपने में भी नहीं दूंगा। बालू कहते, अच्छा तो फिर पैसे ना देना पड़े, इसलिए तुम्हें नोटके कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम मुझे पैसे मत देना, मैंने कहा ना। फैंग कहता, हर बार तुम पैसे के बारे में क्यों सोचती हो, और जहाँ तक बात है नोनो की, मैंने तो इसके बारे में सपने में भी कभी नहीं सोचा, और पार्टी में अचानक से मेरे पास आ गई थी, मुझे पकड़ लिया था, मैं क्या करता, मुझे नहीं पता था कि वो पार्टी में आने वाली है। जहाँ तक बात रही फोटो की, तो लास्ट टाइम मेरे डैड ने मरने से पहले फोटो मेरी क्लिक की थी, इसलिए मैंने उसे रखा है अपने पास, मानता हूँ कि इसमें नोनो है, लेकिन मैं क्या करूँ। बालू कहती, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फैंग कहते, तो फिर देखो इस डॉक्यूमेंट्स को। बालू पढ़ते कहती, क्या तो फिर तुमने अपने आधे शेयर्स मेरे नाम कर दिए। फैंग कहता, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी बातों का ये प्रूफ है, और तुम मेरी वाइफ हो तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, कि मैं तुम पर ट्रस्ट करता, तो फिर तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। इस पर बालू कहती, हनी आप कितने अच्छे हो, ये सब करने की क्या जरूरत थी, ठीक है मैं तुम्हारे प्यार को मान लेती हूँ। फैंग कहते, हाँ और तुम्हारी मॉम ने ठीक करने के लिए अपने आदमी भेज दिए हैं, तुम्हारे भाई को नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे से जब सेक्रेटरी ने थप्पड़ मारता है, बालू की माँ कहती है, मैं तुम सबको पुलिस में दे दूंगी। सेक्रेटरी गुस्से में कहता है, मिस्टर फैंग की वाइफ को बुली करने की हिम्मत,
ठीक है, सबको ले जाकर नदी में फेंक दो। और यहाँ पे बॉडीगार्ड्स बैलू के भाई की पिटाई करते हैं और दोनों को वहाँ से लेकर जाते हैं। फिर आगे सीन जब बैलू फैंक के साथ ऑफिस में होती है, फैंक कहता है वाइफी आई लव यू, बैलू कहती है सॉरी मैंने तुम पर शक किया। और यहाँ पर उनकी किस होने वाली होती कि तभी बैलू को यहाँ पर कॉल आ जाता है और वो कहती मैं अभी आती हूँ और वहाँ से चली जाती। फिर आगे सीन जब मिलती है नोनो से, नोनो कहती मैं फैंक की गर्लफ्रेंड हूँ तुम जानती हो, कहती तुम गर्लफ्रेंड हो और मैं उसकी वाइफ हूँ। नोनो कहती फैंक की मॉम तुम्हारे बैकग्राउंड को जानने के बाद तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तुम एक एक्टर हो। बालू कहती तो फिर तो मेरी परेशानी हुई, तुम्हें क्या करना है इससे। नोनो गुस्से में कहती है फैंक मेरा है, वो मुझसे प्यार करता है। बालू कहते अच्छा अगर ऐसा होता तो फिर फैंक की वाइफ मैं नहीं तुम होती। नोनो गुस्से में चिल्लाते और कहते तुम। बालू गुस्से में कहती आवाज नीचे और मैं फैंक की वाइफ हूँ, फैंक मेरा हस्बैंड है तो फिर मेरे हस्बैंड से दूर रहना समझी तुम। और वहां से जाने लगती कि नोनो से गिराने चाहती और तभी फैंक अगर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर वेटर से गलती से कॉफी फैंक पर गिर जाती है। बालू कहते ठीक तो बर्न तो नहीं हुए। फैंक कहते डोंट वरी मैं ठीक हूँ। कहते फैंक मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फैंक गुस्से में कहता है नोनो जो कुछ भी था वो पास्ट था और ये मेरा प्रेजेंट और फ्यूचर है, तो फिर मेरी वाइफ से तुम दूर रहना, आज के बाद मेरे पास आने की कोशिश मत करना। और वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर नोनो का दिल टूट जाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर फैंक की माँ जाती है बालू की माँ से मिलने और कहती है पैसे लो और अपनी बेटी को कहो कि मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, उससे दूर रहे। बालू की माँ कहते डोंट वरी काम हो जाएगा। फिर सीन जब फैंक ऑफिस में होता है और यहाँ पर बालू को कॉल करते कि तभी उसे बालू के भाई का मैसेज आता है कि उसकी वाइफ की किडनैपिंग हो चुकी है। फिर सुनकर फैंक शॉक हो जाता है। फिर आगे सीन जहाँ पर बालू गुस्से में कहते तुम दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तुम सबने पैसे के लिए मुझे किडनैप किया है, तो फिर मॉम आपके लिए बेटी से बढ़कर पैसे हैं। इस पर उसकी माँ से थप्पड़ मारती है। बालू का भाई कहता है मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, थोड़े पैसे ले ले तो क्या फर्क पड़ता है। बालू गुस्से में कहती है अच्छा फिर पैसों के लिए तुम मेरा भाई बन गए, तुम सब तो पैसों के लिए मुझे बेच भी सकते हो। तो फिर से उसकी माँ थप्पड़ मारती है, कहती है मुँह बंद रखो अपना मैं तुम्हारी माँ हूँ। तभी सीन सेक्रेटरी का जहाँ पर कहता है हमें भाभी के लोकेशन का पता चल चुका है किसी बंद फैक्ट्री में। और तभी उसे बालू के भाई का मैसेज आता है कि 50 मिलियन लेकर जल्दी से आ जाओ वरना तुम्हारी वाइफ नहीं बचेगी। फिर आगे सीन जब फैंक चला जाता है बताए गए पति पर और कहता है ये रहे पैसे। बालू के भाई के हाथ में पेट्रोल होता है, गुस्से में कहता है तुम यहाँ पर होशियारी मत दिखाना, फिर तुम हमें पैसे दिखाओ। और यहाँ पर वो कहता है मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, तुम बोलो कि तुम जो भी कर रहे हो अपनी मर्जी से कर रहे हो, इसके बाद तुम हम पर कोई केस नहीं करोगे। ये सारी बातें फैंक रिकॉर्डिंग में बोलता है और कहता है बस बहुत हुआ अब तुम मेरी वाइफ को छोड़ दो। बालू का भाई कहता है ठीक है और अपने पेट्रोल को गिरा देता है और कहता है मैं इसे जान से तो नहीं मारना चाहता लेकिन तुम बचा सकते हो तो बचा लो। वहाँ से पैसे लेकर भागते समय वो आग लगा देता है कि तभी फैंक उसे बचाने जाता है, यहाँ पर आग लग जाती है पूरी तरीके से। सीन हॉस्पिटल का डॉक्टर कहते हैं आपकी वाइफ की हालत काफी ज्यादा खराब है, उन्हें आरएच नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, हमारे ब्लड बैंक में वो नहीं है। तभी सेक्रेटरी कहता है मैं इंतजाम करता हूँ कि तभी वहाँ पर यांग जी आ जाती है और कहती मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। यांग उसे में बोलता है तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहते हैं हमें आधे घंटे के अंदर ही सब कुछ करना होगा वरना आपकी वाइफ की जान काफी खतरे में पड़ सकती है, तो आप क्या चाहते हैं। फैंक कहता है ठीक है और यहाँ पर यांग जी बालू को ब्लड डोनेट करती है और कहती फैंक चाहे जो हो जाए तुम सिर्फ मेरे रहोगे। फिर आगे सीन जब बालू को होश आ जाता है और वो फैंक को देखने जाती है तभी सीन देखते यांग जी का जो की कहती है मैंने ब्लड डोनेट किया है तुम्हारी वजह से, तो क्या तुम्हें मेरी केयर भी नहीं है। फैंक कहते है तुम्हें क्या चाहिए। यांग जी कहते तो फिर तुम क्या बालू को डिवोर्स दे दोगे। फैंक कहते इम्पॉसिबल। यांग जी कहती बस एक दिन तुम मेरे साथ रहोगे, अभी भी तुम्हारी वाइफ की हालत ठीक नहीं है, फिर उसे मेरे ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। और तभी हम सीन देखते बालू का जो की कहती है मेरे हस्बैंड कहाँ है। नर्स कहती उस रूम की तरफ हो गए हैं और तभी वहाँ पर बालू जाती है। यांग जी बालू को देख फैंक को पकड़ लेती और कहती है ठीक है तुम कुछ मत करो तुम बस मुझे गले ही लगा लो, मैं बालू को ब्लड डोनेट नहीं करूंगी। कि तभी वहाँ पर गुस्से में बालू आ जाती और कहती ये सब क्या है। जी कहती क्या ये मेरा प्यार है उन्होंने इसे गले लगाया है। फैंक कहते बालू मेरी बात सुनो। बालू गुस्से में थप्पड़ मार देती और कहती बस। देखते यांग जी गुस्से में बालू को नीचे गिरा देती है और यहाँ पर बेहोश हो जाती। तभी फैंक बालू को उठाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे सीन जब फैंग यांग जी के साथ टाइम स्पेंड करने से मना कर देता है वो काफी गुस्सा हो जाती और तभी उसे सेक्रेटरी का कॉल आता है, वो कहता है बालू का भाई मिल चुका है। फिर आगे सीन जब फैंग मिलता है बालू के भाई से और वो गुस्से में कहता है फैंग तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे पास तुम्हारी रिकॉर्डिंग है। फैंग कहता है अच्छा तुम नहीं जानते कि मैं क्या क्या कर सकता अपनी वाइफ के लिए। और बॉडीगार्ड से कहता है इसकी उंगलियां तोड़ दो। फिर बालू का भाई चिल्लाता है फैंक कहता है अब से तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा वरना तुम्हारी बॉडी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। बालू का भाई कहता है ठीक है तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। सीन जब बालू होते हॉस्पिटल में और काफी गुस्सा होती है फैंक की बातों को सोच के और कहते मुझे फैंक और यांग जी के बारे में जानना होगा और वहाँ से वो चली जाती है। फिर आगे सीन जब सेक्रेटरी कॉल करता है और कहते हैं भाभी हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है।
फिर आगे सीन जहाँ पे बैलू जाती है फैंग से मिलने और वहाँ पर बेहोश हो जाती है, तभी वहाँ उसे दादी मिल जाती है और कहती बेटा तुम्हें क्या हुआ। आगे सीन फैंग गुस्से में हॉस्पिटल आता है और कहते तुम सब मेरी वाइफ को संभाल नहीं पाए, तुम सब क्या कर रहे थे। तभी वहाँ पर यांग जी आ जाती है, कहते डोंट वरी फैंग मैं तो हूँ ना तुम्हारे पास। फैंग गुस्से में कहता मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मुझे बैलू का भाई मिल चुका है, उसका और बैलू का ब्लड ग्रुप सेम है, फिर तुम मुझे अब ब्लैकमेल नहीं कर सकती हेल्प देने के नाम पे, और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। यांग जी गुस्से में कहती बैलू मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर आगे सीन दादी के घर का जहाँ पर कहती है फिर तुम्हारी शादी हो चुकी है, बैलू कहती है हाँ लेकिन लगता है कि मैंने गलत पर्सन से प्यार कर लिया है, वो मुझे डिवोर्स देने वाले हैं। दादी कहती क्या बेचारी तुम अकेले बच्चे को कैसे संभालोगी। बैलू कहती क्या बच्चा। दादी कहती हाँ तुम प्रेग्नेंट हो। बैलू कहती क्या। दादी कहती हाँ मैं चाइनीज मेडिसिन की डॉक्टर हूँ और तुम प्रेग्नेंट हुई बात कंफर्म है। ये सुनते बालू काफी शॉक हो जाती और यहाँ पर रोने भी लगती है और कहती वो मुझसे प्यार करते हैं, ने मुझे कहा था लेकिन मैंने उसे किसी और लड़की के साथ देखा भी तो था, मैं भी तो उससे प्यार करने लगी हूँ। दादी कहती कोई बात नहीं तुम दोनों के बीच में लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तुम्हें अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। और तभी यहाँ पर बैलू फैंग के प्यार को याद करके रोने लगती है। फिर आगे सीन जहाँ पर दादी फैंग को भी बुला लेती है, कहता बैलू तुमने मुझे पागल कर दिया है, तुम बिना बताए क्यों चली आई। बैलू कहते तुम और यांग जी। फैंग कहते यांग जी ने तुम्हें ब्लड डोनेट किया था इस बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे कि अगर मैंने उसका कहा नहीं किया तो आगे जाकर तुम्हें हेल्प नहीं देगी, इसलिए बस मैं उसकी बातें सुन रहा था लेकिन मैंने कुछ किया नहीं वैसा, और तब तक तुम वहाँ पर आ गई, तुमने आधी बातें सुन ली, तुमने धोखे से मुझे पकड़ लिया था, लेकिन डोंट वरी वो तुम्हें परेशान नहीं करेगी। बालू गुस्से में कहते तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, जिस लगा कि तुम मुझे डिवोर्स देने वाले हो यांग जी के लिए। कहते वाइफी आई एम सॉरी और बालू को गले लगा लेता है। बालू कहती आराम कस के पकड़ा है, हमारे बेबी को प्रॉब्लम नहीं होगी। फैंग कहता क्या बेबी। वो काफी शॉक हो जाता है और कहता क्या तुम प्रेग्नेंट हो। दादी स्माइल लेते कहती हाँ अपनी वाइफ का ध्यान रखना। यहाँ पर दोनों काफी हैप्पी होती। फिर आगे सीन जहाँ पर फैंग जी तो अपनी मम्मी से मिलने, मम्मी कहती फाइनली तुम्हें मेरी याद आ गई। तभी बैलू कहती मम्मी और फैंग की माँ के पास आने लगती है। फैंग कहता आराम से बेबी को परेशान मत करो। मॉम कहती क्या बेबी। कहते हाँ मॉम आप दादी बनने वाली हो। और यहाँ पर प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा आता है, देखकर फैंग की मॉम तो काफी हैप्पी हो जाती है। बैलू थोड़ा सा नाटक करते कहती मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती तो फिर मेरा और मेरे बच्चे का क्या फायदा, खुद को माने जाती। यहाँ पर फैंग काफी डर जाता है। फैंग की मॉम चिल्लाते कहती रुको मैं अपने ग्रैंड चाइल्ड को चोट नहीं पहुँचा सकती, तुम आराम से बैठो, मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती थी लेकिन सच तो ये है ना मैं अब दादी बनने वाली हूँ और तुम फैंग की वाइफ हो और फैंग के बच्चे की होने वाली माँ हो, फिर बेटा प्लीज मुझे माफ कर दो और ये लो मेरी सास का दिया हुआ ब्रेसलेट, यहाँ से तुम मेरे खानदान की बहू हो। ये सुनकर तब बैलू और फैंग काफी हैप्पी हो जाते कि मॉम ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। ये सीन जहाँ पर फैंग की मॉम लेकर जाती है बैलू को शॉपिंग करवाने, बैलू कहती है टेडी कितना क्यूट है ना, फैंग की मॉम कहती तो फिर ठीक है इस शॉप की सारी चीजों को पैक कर दो। बैलू कहती क्या इतनी सारी टेडी बियर। और तभी ये सब कुछ दूर से यांग जी देख रही होती है। बैलू कहती रहने दो, मम्मी कहती नहीं मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है और तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब मिलना चाहिए, तुम भी तो फो फैमिली की बहू हो ना, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मिलेगा। बैलू कहती थैंक यू मॉम। कहती बैलू तुम जाकर कार में आराम करो, तुम ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रह सकते, की शॉपिंग मैं कर लेती हूँ। लेकिन मॉम कहती जाओ। बैलू कहते ठीक है और यहाँ पर सारा सामान देकर वहाँ से चली जाती है। फिर आगे सीन जब यांग जी कहती आंटी तो मेरे और फैंग के बारे में क्या। मॉम कहती यांग जी बैलू प्रेग्नेंट है, मैंने भी फैंग और बैलू के पैर को एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए काफी रिच लड़का खोज दूंगी। जी कहती क्या लेकिन आपने तो प्रॉमिस किया था ना कि आप मेरी शादी फैंग से करवाओगी, मैं फैंग की वाइफ बनूंगी। मॉम कहते लेकिन फैंग तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात मैंने भी मान ली तुम भी मान लो, अब तो दोनों का बेबी भी आने वाला है, फिर तुम्हारी जिद का क्या फायदा है, फैंग तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। जी कहती मैं कुछ नहीं जानता, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। मॉम कहती मैंने बैलू को अपनी बेटी मान लिया है। यहाँ पर यांग जी जिद करने लगती है। आंटी कहती यांग जी मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने कह दिया ना। वहाँ से जाने लगती है कि तभी यहाँ पर यांग जी बेहोश होने का नाटक करती है। आंटी यहाँ पर यांग जी को पकड़ लेती है और कहती बॉडीगार्ड से तुम जाकर देखो बैलू ठीक है कि नहीं, मैं अभी आती हूँ। वहाँ से बॉडीगार्ड चला जाता है। मॉम कहती डोंट वरी तुम ठीक हो ना। तभी यांग जी कहती हाँ और यहाँ पर उन्हें बेहोश कर देती है। आगे सीन जब बैलू कहती है मॉम कहाँ है, और कहते हैं मिस यांग जी के साथ है, उन्हें चक्कर आ गए थे तो आपकी केयर करने के लिए मुझे मैडम ने यहाँ भेज दिया। लुगुसम कहती क्या मॉम को वहाँ किसे छोड़कर आ सकते हो, जाओ अभी कभी मॉम को लेकर आओ। फिर आगे जब बड़गड़ जाते लेकिन वहाँ पर तो मॉम नहीं मिलती और यहाँ पर सारी बातें आकर बैलू को बताता है। जहाँ पर यांग जी कॉल करती और कहती बैलू अगर तुम अपनी सास को जिंदा देखना चाहती हो तो फिर ठीक है मेरे बताए गए एड्रेस पर अकेले आ जाओ। बैलू कहती मैं आती। फिर आगे सीन जब बैलू जाती है यांग जी से मिलने, जी कॉल पर कहती वाह सास बहू में तो काफी ज्यादा प्यार है, तुम आ गई अपनी सास को बचाने के लिए, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी, तो फिर अपना फोन छोड़कर अंदर चली आओ।
आखिर सीन जहाँ पर फैंग के मॉम के हाथ पर बंधे होते और यांग जी गुस्से में कहते, तुम दोनों सास बहू मेरे फैंग के मेरे प्यार के दुश्मन हो, मैं इस बुढ़िया को मार डालूंगी। बालू गुस्से कहती, फैंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कहते अच्छा तो फिर चेक कर लेते मैं इसे मार डालूं। बालू कहती, वेट तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, मॉम को छोड़ दो। फिर आगे सीन जहाँ पर बालू के हाथ पर बंधे होते और रोते हुए कहती है, बालू मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें कितना हर्ट किया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैंने यांग जी पर ट्रस्ट किया, सारी की सारी मेरी गलती। और यहाँ पर रोने लगती है। बालू कहती, मॉम आपकी कोई गलती नहीं है। यांग जी गुस्से में कहती, तुम सास बहू अपना मुंह बंद रखो, मैं अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ। बालू गुस्से में कहते, अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो फैंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जी कहते, अच्छा तो फिर उसे पता कैसे चलेगा कि मैंने सब कुछ किया है। तभी हम सीन देखते हैं फैंग का, जो कि बताए गए लोकेशन पर आ रहा होता है। फिर सीन जब यांग जी कहती, तुम दोनों में से कौन मरना चाहेगा, मॉम कहती है मैं डरती नहीं हूँ मरने से। तभी बालू चिल्लाते हुए कहती, नहीं मॉम। तभी यहाँ पर फैंग चिल्लाते हुए आता है, कहता है वेट तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। यांग जी कहती, क्या तुम यहाँ भी आ गए। फैंग कहते, यांग जी तुम मुझसे शादी करना चाहते तो फिर ठीक है मैं तैयार हूँ। यांग जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करूंगी। तो फिर चूज करो तुम किसे चाहते हो, माँ को या फिर बीवी को। कहती है फैंग, मेरी बहू मेरे ग्रैंड चाइल्ड को बचा लो। बालू रोते कहते, नहीं आप मम्मी को बचा लो। यांग जी पर थप्पड़ मारते कहते, अपना मुंह बंद रखो। फैंग तुम जल्दी करो, किसी और को तुम बचा सकते हो, मैं अपनी मन से किसी को मार डालूंगी। फैंग के तो ओके ठीक है मैं चूज करता हूँ। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी भी आ जाता है। फैंग यांग जी के ध्यान को हटाने की कोशिश करता है। यांग जी कहती है मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और पर बालू को मानने जाती कि तभी सेक्रेटरी यांग जी को रोक लेता चाकू उसे लग जाता है। देखकर यांग जी और भी गुस्सा हो जाती और बालू को मानने जाती कि तभी बीच में मॉम आ जाती है और चाकू उन्हें लग जाता है। वो बालू को बचा लेती है। देखते फैंग यहाँ पर चिल्लाता है, बालू कहती है मॉम। फैंग की मॉम कहती है, बालू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें काफी ज्यादा हर्ट किया ना। और फैंग तुम रो क्यों रही हो, मैं तुम्हारे डैड के पास जा रही हूँ उनसे मिलने, तो फिर तुम मेरी बहू का मेरे ग्रैंड चाइल्ड का और हाँ खुद का ध्यान रखना। और तभी यहाँ पर यांग जी की गिरफ्तारी होती है। यहाँ पर मॉम की डेथ हो जाती, तो पहली बार किसी सास ने अपनी बहू की जान बचाई है किसी ड्रामे में। फैंग और बालू रोने लगते। फिर आगे सीन फनरियल का, जहाँ पर फैंग और बालू कहते मॉम हम अपना ख्याल रखेंगे, और यहाँ पर दोनों रोते हैं और कहते मॉम आई मिस यू। फिर आगे जब बालू जाते अपनी मॉम से मिलने जेल, अपने जेल से निकालने से मना कर देती है। फिर कहती बस बहुत हुआ, मेरी बस एक माँ थी जो कि इस दुनिया में अब नहीं रही, यहाँ से आपका मेरा रिश्ता खत्म होता है, आप मेरी माँ नहीं ना मैं आपकी बेटी। वहाँ से गुस्से में चली जाती और बालू की माँ यहाँ पर चिल्लाती उन्हें। आगे जब बालू काफी इमोशनल होती है, फैंग कहता है बालू वो तुम्हारी मॉम बनने के लायक नहीं है, तो फिर चलो घर। फिर आगे सीन देखते 8 महीने बाद का, जहाँ पर केटी कहता है हेलो भाभी। बालू कहती तुम ठीक हो गए। केटी कहता है हाँ पूरी तरह से। तो फिर बेबी कब आने वाला है। बालू कहती है बहुत जल्द, थोड़ा सा वेट करो। कि तभी वहाँ पर बालू को पेन होने लगता है। कहती जल्दी हॉस्पिटल चलो। सेक्रेटरी चिल्लाते डॉक्टर डॉक्टर कहाँ है। फिर आगे से हॉस्पिटल का, जहाँ पर फैंग भागते हुए आता है, काफी घबराया हुआ होता है। कहता है सब कुछ ठीक होगा ना। सेक्रेटरी कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो कभी डैड भी नहीं बना। कहता है मुझे तो नो एक्सपीरियंस। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आती और कहती कांग्रेचुलेशन, हाँ बेटी दोनों सेफ है। सीन का सेक्रेटरी काफी हैप्पी हो जाता है और फैंग को पकड़ लेता है। फिर आगे सीन जब फैंग कहते फाइनली तुम्हें होश आ गया, तो बेबी के चक्कर में अपने हस्बैंड को भूल गई। बालू कहती आप भी ना मजाक कर रहे हो। फैंग कहता डोंट वरी बेबी बिल्कुल सेफ है और नर्स उसे बेबी वार्ड में ले गई है। एंड वाइफी थैंक यू सो मच तुम्हारे इतने हार्ड वर्क के लिए। बालू कहती तो फिर बेबी का नाम क्या होगा। फैंग कहता ठीक है मैं सोचता हूँ, और यहाँ पर नेम सोचने लगता है। बालू कहती आप तो रहने दो मैंने सोच लिया है, और यहाँ पर अपने बेबी का नाम फैंग की मॉम के नाम पर रखती है। कहती कैसा लगा। ये सुनकर फैंग काफी हैप्पी हो जाता है और बालू को गले लगाता है। हैप्पीनेस के साथ ही लास्ट यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट लास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।